In الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير کی یہ 64 من نشست ہے اور اس نشست میں الله سورة الحج کی 18 آیت کریمہ تفسير ہوگی الله رب العالمين نے اشارت ألم أَلَمْ أن اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن उम्मस الله فما له من مكرم मक्रीम الله يفعل ما يشاء. इस आयत क़रीमा से मुतालिक, इनशा कुछ बातें आपके सामने रखूँगा पहली बात ये है कि इस आयत क़रीमा में व वत ने कायनात कुल की कुल अल्लाह व तै की मुनदाद है अल्लाह सुबहान ताली की मती फरमादार है अल्लाह रब्लम के हुक्म पर कायम है इस बात को अल्लाह ने बयान फरमाया है अल्लाह सुबहान ने इस सिलसिले में जो कि पूरी कायनत अल्लाह की तस्वीर में है अल्लाह की मति व फरमा बरदारी में है तो मुती व मतियरमादारी के साथ साथ एक जायद के अल्लाह व सुबहानी की वो यानी तस्वीर में है दो एक जुदा जुदा चीज़ें हैं इस सिलसिले में कुछ बातें मैंने सूरत सभा का जो आगाज़ रहा है तकरीबन सोलहवीं नशीस सूरत सभा की सोलहवीं नशीस में काफ़ी तफसील से बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं और उसका एक हिस्सा अलग से जो है यूट्यूब पर डाला गया है इस आयत करीमा का पिछली आयतों से जो ताल्लुक़ है वही कि आपने देखा कि इस सूर्य के आगाज़ से लेकर के आयत नंबर सत्रह तक अल्लाह व सुबहानता ने अहिल इस्लाम का कुफ़ार का ज़िक्र फ़रमाया मुनाफ़िन का जिक्र फ़रमाया अल्ला रबुआमी ने कुछ ऐसे लोगों का ज़िक्र फ़रमाया जो एक तरह से गैर गैरमतम रहते हैं किसी भी रास्ते पर कुर पर रहते हैं कुफ्र पर रहते हुए फिर जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं किसी मफाद के तहत या इस्लाम से मिलने वाली जो चीज़ें हैं उसके तहत जब देखते हैं कि वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं आज़माइशें आती हैं अल्लाह के दिन पर तो ये समझ बैठते हैं कि जो है हमने जो उस रास्ते को जो छोड़ा ना जो कि हकीकत बातिल रास्ता है लेकिन हमने जो उसे तर्क किया है उसी की बुनियाद पर अल्लाह मुझे तकलीफ़ दे रहा है या मुझे मैं आजमाइशों में हूँ तो वही रास्ता असल है, फिर पलट करके चले जाते हैं तो गोया कि उन्हें बेतमानी रहती है कि भाई हक़ क्या है अल्लाह सुबहान तैाली ने इस अतबार से ये बात वाज फ़रमा दी आयत नंबर सोलह में कि अल्लाह ताली का दीन वाज़ है अपने पैगाम में बिल्कुल मुबैन है लेकिन अल्लाह रब्लम जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्लमी ने फरमाया आयत नंबर सत्रह में कि अहल ईमान है और फिर कुफ़ार है कुफ़ार की मुतद शक्लें हैं सब के दरमियान अल्लाह त़यामतन फैसला करेंगे अहल ईमान को जन्नत में अहल जह और कुफ़ार को अल्लाह ताली जहनम में डाल देंगे अल्लाह रब्लमिन Al ने इस बुनियाद पर इस आयत करीमा को बयान फ़रमाया कि अलम तरा अन्लास जुदोलह मनफी समावाती वन फिल व शमसमर वजू मल जबाल ये वगैरह वगैरह तो अल्लाह ताला ने कहा कि क्या पूरी कायनात किसकी इबादत कर रही है पूरी कायनात किसकी मोत फरमा बरदार है तुम जमीन व तुम जो है मतलब मुतद चीज़ों की जो इबादत करते हो यह सब किसकी मखलूक़ हैं ये सब किसके लिए सजदा करते हैं ये किसके मतिय फ़रमा बरदार हैं तो अल्लाह रब्मी ने इस बात को बयान फरमाने के बाद किस कदर अल्लाह रब्लम की राफत और रहमत है देखी कि अल्लाह ताली बावजूद इसके कि इन लजीना आमनों कह करके उसके बाद काफिरों की मुतदिद शक्लें बयान फरमा दी हैं और कह दिया कि क्यामत के दिन फैसला फरमा देंगे बात ख़त्म हो गई लेकिन अल्लाह सुबहान वाली चूँकि उनको इस दुनिया में एक उम्र अता फरमाई है सलाहियतें अता की हैं अल्लाह सुबहान तौर सिर्फ उनको खिलाने पिलाने के लिए पैदा नहीं किया है हमेशा की जो जन्नत है उसको हासिल करने के लिए भी अल्लाह रब्बुल रबुलामी ने उनको सलाहित अ फरमाई तो मज़ीद एक दलील अल्लाह ने दी कि क्या तुम देखते नहीं हो कि पूरी कायनात अल्लाह के लिए सजदा कर रही है और और तुम है कि जो है उसकी मखलूक के लिए सजदा करते हो उसकी मखलोक़ की इबादत करते हो ये रब्त है पिछली आयतों से अलम तरा अल्लाह अन्लायजु मनफी समावती व मनफिला सुबहान ने फरमाया कि अलम तरा अलम तरा, तरा ये जो फ़ेल है ना इस फेल से मुतालिक Uh, काफ़ी तफसील से मैंने यानी सूरत में भी मैंने ज़िक्र किया था आ, 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 वो जो आयत करीमा है नहीं यानी कल रआ हस्तगना वहाँ पर र के मायने मैंने बताया था कुछ तफसील से लेकिन उससे भी ज़्यादा तफसील से मैंने सूरत में जो नशस्त नंबर जो है यानी मैं समझता हूँ ग्यारह है नशीत नंबर ग्यारह के बिल्कुल आगाज़ में मैंने रफ़ जो फ़ेल है इस फ़ेल से मुतल बहुत बहुत तफसील से मैंने जिक्र कर दिया है जो कुरान समझने के लिए बेहद मुफीद वो बातें हैं अलमदिल्ला मैं उसे अभी अदा नहीं करूँगा क्योंकि ये सब चीज़ें यूट्यूब पर मौजूद है अलहमद और ये जो दर्स आज हम दे रहे हैं उससे वो मुलह कर दिया जाएगा जोड़ दिया जाएगा तो फिर उससे मालूम लेना आसान हो जाता है अल्लाह सुबहान व तारा ने फरमाया कि अलम तरा अलम तरा क्या मतलब है यानी अलम तरा का मतलब है कि अलम तम यानी इसको कहते हैं रुतुल्कल्ब रुय अलमिया इसका रुयालबसरिया नहीं अपने आँखों से देखने वाली बात नहीं दिल से समझने वाली बात अलम तम यानी अलम तफ़ाम बात फहम ही कि नहीं है अलम तिलम के माने में क्या तुम इस बात को जानते नहीं हो क्या ये बात तुम्हारी मालूम में नहीं है क्या तुम इससे वाकिफ़ नहीं हो यह माना है उसका ये जो उस पर हमज़ा है उसको कहते हैं हमजत अस्तफाम लेकिन उसकी भी मुतद शक्लें हैं क्योंकि अरबी ज़ुबान बहुत वसी है बिलखसूस जब बात करते हैं कुरान मजीद की तो वो जो हमज़ा है वो फिर किस मान में होगा यानी खिताब किस से है अलम तारा खिताब किस से है कि अल्लाह के रसूल से खिताब है सल्ला या आम कुफ़ार से खिताब है इसलिए कि जो मुखातब कौन है सहायत करीमा में वो वैरमुआन है तो इस एतबार से इसमें वसात है तो फिर हमज़ा जो है हमजत अस्तफ़ाम अगर वो इनकारी है तो मतलब ये है कि वो कुफ़ार से खिताब है कुफार से बात कही जा रही है यानी गोए कि उन पर डांट डपट है क्या कह तुम देखते नहीं हो तुम जिस सूरज की बात करते हो जिस चांद को तुम अपना मबूुद मानते हो जिस जिन सितारों के तुम उसके तासीर के कायल हो तासीर इस माने में कि जो है तुम उसको असल समझते हो यानी होता है अल्लाह सुबहान व तआला ने किसी सितारे में एक 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 सबब बनाया है एक तासीर रखी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लेकिन असल असल मुसबित कौन है अल्लाह सुभान व तआला अहले इल्म सुबहान तहलमाय इस्लाम ने कभी इसकी नफी नहीं की कि फ़लाँ चीज़ में तासीर नहीं होती अल्लाह ने तासीर रखी है किसी सितारे में भी तासीर होती है अल्लाह ने तासीर रखी है उसकी नफी नहीं है नफी इसको है कि ये मानना ये माना जाए कि अब वो माबूद है अब वो असल है ये जो है नुत नज़र गलत है तो अल्लाह सुभान व तआला ने जो है एक निज़ाम रखा है उस निज़ाम के तहत उसमें एक असर रखा है किसी सितारे में उसकी नफ़ी कोई नहीं करते हैं अहले इल्म में से नफी इसकी होती है कि उसकी बुनियाद पर जो है मतलब मुसबल को तर्क कर दिया जाए और मुसब्ब को जो है माबूद मान लिया जाए यह असल माना है तो अल्लाह सुबहान व तआला ने कहा कि अलम तरा क्या मतलब है यानी गोए के एक तरह से डांट है ये इस्ताम इनकारी है यानी क्या तुम देखते नहीं हो क्या तुम समझते नहीं हो क्या तुम अक़ल का इस्तेमाल नहीं करते हो इतनी इतने इतना बड़ा आसमान इतनी बड़ी ज़मीन ये हवा ये चांद सूरज ये पहाड़ ये सब ये सब किसकी मोति फरमाबरदार हैं किसने कौन इनका खालिक है ये किसके हुक्म पर क़ायम है सूरज अल्लाह रोज़ाना हमारी अपनी उम्र को देख लीजिए आप रोज़ाना हम देख रहे हैं कि सूरज वक्त पर आ रहा है और वक्त पर गुरब हो जा रहा है सुबहान अल्लाह यानी किसके किसका निज़ाम चल रहा है उस पर वो कैसे महबूद हो सकता है तो उसके पीछे जो है अल्लाह सुबहान उसको यानी मतय फरमाद बना के रखा है वो जिसकी इताद कर रहा है वो असल मबूद है ना तो अल्लाह सुबहान व ने अलम तरा में हमजा इस्तफ़ाम इनकारी है गोया कि उनके एक डांट डपट वाली बात है अगर खिताब कुफार से हो तो ये इसमें ये भी बात है कि अलम तरा में जो हमजात अ है वो तकरीरी हो अ इस्तीफ़ा तकरीरी गोया कि वो अल्लाह के रसूल से खिताब है तकरीर का मतलब ये होता है कि जो है मतलब किसी को आ, मतलब यानी यानी किसी की में हा, हाँ मिलाने वाली बात मोटे अंदाज़ में मैं समझा रहा हूँ यानी गोया कि हम किसी से कुछ देते हैं या किसी से कुछ कहे होते हैं बाद में हम कहते हैं नहीं कि आप बताइए मैंने कहा नहीं आपसे मैंने बताया नहीं था मैंने दिया नहीं था क्या मतलब है उसका मतलब ये है कि आप हाँ कहें कि हाँ हाँ आपने वाक़ता दिया था आपने कहा था आपने ऐसे ही किया था वो एक उसमें तकरीर मकसूद होता है वहाँ पर तो अल्लाह के रसूल से अगर खिताब हो तो फिर ये इस्तफाम तकरीरी क्या मतलब अल्लाह के रसूल आपको तो मालूम है ना आपकी तो इल्म है ना कि पूरी कायनात किसकी मतियव फ़रमा बरदार है आसमान और ज़मीन किसके लिए सजदा कर रहे हैं ये चाँद शुरू किसके लिए सजदा कर रहे हैं ये पूरी कायनात किसकी मोती फरमा बरदार है आपकी तो इल्म है ना आपको तो बताया गया ना आपकी तो मालूम में हमने ये दाखिल किया है ना हमने वही के ज़रिए से इससे पहले बारह हमने आपको बता चुका है ना <coughs> बता चुके हैं ना ये माना उसका अलम तरा अन्लास जदोलहू मनफावती व मनफिल ये कुछ बातें थी अलम तरा से मुतल अलम तरा अन्ह यस जुदोलह मनफमावाती मनफिल अर्जी व शमसो वमरु व तो अल्लाबहान तै ने का ज़मीन का चांद सूरज सितारों का पहाड़ों का अला सुबहान ने कहा कि सब के सब अल्लाह के लिए सजदा करते हैं इस आयत करीमा में आसमान ज़मीन चांद आसमान ज़मीन को जिक्र करने के बाद चांद सूरज सितारों पहाड़ और जो है मखसूस अशिया का जिक्र क्यों किया गया मज़ात उनका नाम लेकर के उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा आपको इन शाला यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह सुबहान तीन ज़मीन व आसमान की कुल चीज़ों को और कुछ ख़ास चीज़ों का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि यस जुदुल्लू सब अल्लाह के लिए सजदा करते हैं तो फिर सज़दा का माना क्या होगा क्या कैफियत होगी सज़दा करने की हालांकि उस आयत करीमा में अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की सभी मखलूक़ का जिक्र किया फिर बिजात चाँद का सूरज का सितारों का पहाड़ का जानवरों का और जो है दरख्तों का जिक्र किया और फिर इंसानों का जिक्र किया और सब लिए एक ही फ़ेल इस्तेमाल किया कि यजुदो तो क्या सब लिए वो फ़ेल इतना काम करता है कि उतनी वसात है उसमें तो फिर वो सजे की कैफियत क्या होगी चांद जिस तरह से अल्लाह के लिए सजदा करता है इंसान भी वैसे ही करता है क्या या इंसान जैसे करता है पहाड़ भी वैसे ही करता है तो फिर सबके लिए जुदा जुदा लफ्ज़ के बजाय सबके लिए एक ही लफ्ज़ लाया गया है कि यस जुदो तो उसमें ऐसी क्या वसात है ये मैं आपको इस नशिश में समझाऊँगा इन बातें आने वाली नशे में अरबी ज़ुबान में सजदा अरबी ज़ुबान में जो सजदा का माना है वो जानना ज़रूरी है देखो इब्न फारस ने कहा रहा अहमद बिन फारस ने मराजम मकई लुगा में कि असिन वलजीम वद्दाल सजदा इसका जो बुनियादी माना है उन्होंने कहा कि अला ततान व ्न ताम कहते हैं गोया कि एक तरह से टहराव को सुकून को उसी से है इतमीनान का लफ्ज़ उसी से बनता है उसी से मुश्तक है तो ल का मतलब ये होता है कि यानी खुश वजू के माने में यानी किसी की ताबेदारी किसी की फर्मा बरदारी किसी के सामने झुक जाना किसी की तज़ीम को बचा लाना किसी के हकम को अपनी ज़िंदगी में नाफिस कर लेना अज्जुल्जली ज़िल्लत से जी तो यदुल तता व् अरबी ज़ुबान में जब कहा जाता है कि सज़ादा क्या मतलब है अई एजा तता माना सजदा एजा तता माना यानी जब वो यानी मतलब एक तरह से मतिय फर्मा बरदार हो गया अरबी ज़ुबान में जब ये कहते हैं सजादा का इसका माना ही यही है यानी कुल मज़ल्ला फ़कत सजादा जो चीज़ भी मतलब एक तरह से जिसके अंदर खुजू हो इनकिया वाली बात हो इतात फरमा बरदारी वाली बात हो किसी के सामने झुकने वाली बात हो किसी की बात को तस्लीम करने की बात आ जाए किसी के लिए अपने आप को जिसे कहते हैं ना कि हमने आपके हवाले कर दिया आपके आपके सुपुर्द कर दिया है कि हमारी ज़ात पर आपका जो है मतलब आ, आ, आ आपकी चलेगी जब ये मिजाज ये तस्वूर चाहे वो सोच व ख़्याल में हो चाहे वो बदनी अतबार से हो जब ये चीज़ आती है तो उसके लिए अरबी ज़ुबान में सजादा का फ़ैल इस्तेमाल होता है इतनी वसात है इसमें असल में मुश्तक किससे है अरबी ज़ुबान में यानी लगत अरब में जब ये कहते हैं कि अजदर रजुलू मतलब ये होता है कि इज़ा किसु वनहना यानी अजदर रजुल का मतलब क्या होता है मतलब ये होता है कि एक शख्स ने अपने सर को झुकाया अपने सर को हिलाया अपने सर को हिलाना अपने सर को झुकाना गोया कि थोड़ा सा मतलब इन ना थोड़ा सा माइल हो जाना नीचे की तरफ जैसे मखसूस अंदाज़ में बादशाहों के लिए जो हम आमतौर पर देखते हैं उनको जो सलामी पेश करते हैं और उनका जब हुक्कुम आता है तो उस हुक्म को बजा लाने से मुतल थोड़ा सा जो झुकते हैं उस उस शक्ल को अपने सामने रखें यही मुशतक है उससे उसी से मुश्तक है यानी लगत अरब में यानी इसकी वसात मैं आपको बता रहा हूँ जब ये कहते हैं अहल अरब कि सजद अलब अलबैर सजैरबैर ऊँटने को कहते हैं लेकिन फैल के जो इसम है वो ज़ाहरी उसकी जो लिखत है वो तजीर के अतबार से फैले है सजल्बरु जब कहते हैं सजद अल्बरु का मतलब ये होता है कि इजा अखरा सह लाकिब इंदरुको भी एक ऊंटनी को अलब ऊँटने को कहते हैं सजद अल्बिर कब कहते हैं उसी वक्त कहते हैं इजा इदा अखरासू जब ऊँटनी अपने सर को झुकाती हूँ थोड़ा सा झुक जाती है कब इन क्या कहते हैं उसका जो उस पर जो सवार होना चाहता है लिराकिब जो उस पर बैठना चाहता है सवारी करना चाहता है इन दुकू भी है जब बैठने के लिए थोड़ा सा ऊँटने को नीचे करते हैं ना उसकी 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 लगाम पकड़ करके तो उसकी उस शक्ल के लिए अरबी जुबान में कहा जाता है कि सज अलब ये इसका बुनियादी माना है अब इस माने को रख करके बाज मुफसरन बाज़ अहल इल्ब ने यहाँ तक भी वसात पैदा कर दी कि चूँकि इसका बुनियादी माना यही है इस फ़ेल का गोया कि इस फ़ेल के अंदर इतनी वसात है जैसे आम अफाल में भी होती है कि एक लुत लघवी एतबार से इसका एक माना है शर्यी एतबार से एक माना है सजदा जब कहते हैं तो लु़वी एतबार से उसका एक मानना मुराद लिया जाएगा शर्यी एतबार से उसका एक माना मुराद लिया जाएगा शरी शरयी एबार से जब सजदा की बात आती है तो वो जो एक मुसलमान अल्लाह के हजूर सजदा करता है यानी नमाज़ पढ़ता है नमाज के नमाज़ में एक सजदा होता है सजदे की कैफियत क्या होती है तो वो शराय माने में सजदा एक है लु़वी एतबार से सजदा क्या मतलब यानी किसी की बात को मान जाना सर झुकाना भी आता है उसके अंदर सर झुकाना उसके सामने झुक जाना या जो है मानवी एतबार से मानवी एतबार से कि हाँ आपने कह दिया ना हमने इस बात को मान लिया इसके लिए भी सजदा का फैल आता है तो बास मुफस्सिर ने इस बात को उन आयतों की उन आयतों के ज़िमिन में भी कह दिया जो रब्बुल रब्आमी ने सरत यूसुफ़ में कहा नहीं यूसुफ़ का बिल्कुल आगाज़ देखो यूसुफ यूसफ़ अलीसलम ने अपने वालद से कहा या अबती इन री तो आशा रो कबा शमसम रईत हमली साजिदीन रईत तो हमली वो मेरे लिए सजदा कर रहे हैं अब चूंकि उन्होंने ये माना बाज़ मुफसरी ने ले लिया कि चूंकि सजदा जो शराय माने में है वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए जायज़ है मखलूक मखलूक़ के लिए सजदा करे ये जायज़ नहीं है जबकि ये एक तरह से मतलब सए फ़हम है बात यह है कि अल्लाह सुबहान व ताली की इतात व फरमा बरदारी वसल है अल्लाह रबूल कहते हैं कि आप उसके लिए सजदा करो तो कर लेना चाहिए शर्य सजदा व अल्लाह का हुक्म है वो अल्लाह की इतात व फरमा बरदारी है वो इसीलिए सूरत यूसुफ़ के आवाख़िर में जब यूसुफ अलीसलम ने उस उसायत करीमा में जो बात बयान फरमाई ना वरफ़ा आब वही अरश वखर्र लहूसदा यूसुफ अलीसलम के पास उनके वालद उनकी वालदा उनके सारे भाई सामने थे तो वफ़ा आबा अल अरश वालद को ऊपर बिठाया वखर्र लहूसा लहू की ज़मीन यूसुफ की तरफ लौट रही है अल्लाम वख्रुलहूसदा ये सारे इखवान उनके लिए सजदा में पड़ गए अब कहने की बात यह है कि वो सजदा कौन सा है वही की व, 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 वही माने में जो अभी आपने अपने आपके सामने ज़िक्र किया कि सजुल कब जब कहा जाता है सहुवन है ना जब सर को हिलाना या जो है मतलब थोड़ा सा झुक जाना जिसे आम तौर पर हमने यहाँ के कदीम मगलिया दौर में हम देखते हैं जिन जिनसे मुतिक कुछ किताबें पढ़ने को मिलती हैं या वीडियो बने हुए हैं जिसमें इस बात का इस बात की वजाहत होती है आम बादशाहों में भी सिर्फ मग़ल दौर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ के जो गैर मुस्लिम बादशाह हैं हैंती कि सैद रशीद रजा मिसरी रे तफसरकुराननला हकीम उसमें और तफसराम उसमें इस बात को उन्होंने जिक्र किया है कि जो है फलस्तीन में मिस्र में वहाँ के बादशाहों के लिए या वहाँ के उमारा के लिए आम लोग जो है मतलब उनके लिए सलामी पेश करते थे तो थोड़ा झुक जाते थे तो झुक जाना तो वो जिसमानी तौर पर भी था और नज़रियाती तौर पर भी कलबी तौर पर भी गोए कि हम आपके फरमा बरदार हैं हम आपकी बात मान जाते हैं आप जो कहेंगे वो हो जाएगा दोनों चीज़ें उसके अंदर यानी मानवी भी मादी भी ऐसे में कहा कि यहाँ वही माना मुराद है कि यूसुफ यूसफ़ल की गोया कि वह मती फरमादार हो गए ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि अल्लाह ने कहा कि खर्र लहूसुजदा खर्रा के माने गिरने के आते हैं सिर्फ़ जो है इतात व फरमा बरदारी के नहीं आते हैं खर्र लहूसन हालत सजदा में जो है जो पड़े रहे वो तो यहाँ वो वो माना नहीं है क्योंकि सजदा के अंदर एक लघावी माना आता है जिसके अंदर थोड़ा सा झुकना और इतात व फरमा बरदारी की बात आती है शराय अतबार से मुकम्मल तौर पर सजदे की कैफियत है हालांकि रुकू करता है एक शख्स एक मुसलमान तो वो भी तो इतात और फरमा बरदारी है ख़याम करता है वो भी तो और फरमा बरदारी है आराम करता है शरिए अतबार से वो भी तो आराम फरमा आ, आ, हलाल कमाई के लिए आगे जाता है भागदौड़ करता है वो भी तो इतात और फर्मा बरदारी है तो सिर्फ सजदा ही कैसी इतातो फरमा बरदारी तो जब शरा माने में सजदा कहते हैं तो मुस्तकिल एक शक्ल का नाम ना सिर्फ इतात और फर्मा बरदारी तो नहीं कह सकते क्योंकि रुकू भी तो इतावत और फर्मा बरदारी है लेकिन उसकी शक्ल अलग है तो सजदा का एक लु़वी माना है एक शराय माना है लु़वी एतबार से जो माना है वो ने, वो तो हमने आपके सामने रख दिया है इस एतबार से यूसुफ़ अलीस्त के जो अखवान ने सजदा किया वो क्या सिर्फ़ इतात व फर्मा बरदारी का माना लिया जाएगा नहीं वो एक शरी सजदा था अल्लाह का हुक्म था वो अल्लाह सजाय खैर देशमिन को आपने बहुत, बहुत 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 गहरी बात कही आपने बकरा की तफसीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बात बयान फ़रमाई ना बकरा के बिल्कुल आगाज़ में व्लमलाकतिस जदुल आदम फ़सद अबिलस उस जदल आदम अल्लाह ने कहा कि आदम के लिए सजदा करो क्या मतलब आतम आदम के लिए थोड़ा सा झुक जाओ वो माना उसका लुगवी एतबार से उनकी फरमाबरदारी करो ये माना उसका फरमाबरदारी तो अल्लाह की होनी चाहिए तो उनके लिए सजदा करने के लिए जब बात कही गई है तो वो सजदा ही है वही सजदा जो शरिए माने में है पर नहीं लु़वी एर में सजदा असल मकसद क्या है वहाँ पर अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी है अल्लाह ने उनके लिए सजदा करने का हुक्म दिया तो वो अल्ला सुबहान तआला के लिए सजदा है अल्लाह के हुक्म पर सजदा है शेख इब्न वसिमिन ने उसके लिए एक मिसाल दी आपने कहा कि किसी नफ्स को कतल करना मन कतम मुत्मिदन फज़जा जहन्नमालन फ़ीहा वील्आन आज़ाबनावीमां पती नज़र एक मुसलमान हो कि एक गैर मुस्लिम हो एक नफ्स को बग़ैर हक़ के कतल करना अल्लाह के हाँ ये बहुत बड़ा गुना है वो ग़ैर मुस्लिम ही क्यों ना हो बगैर हक़ के कतल करना एक मुसलमान का उसको खून करना बग़ैर हक के एक अजीम गुना है लेकिन जब बात अल्लाह के हुक्म की आती है अल्लाह तला कहते हैं कि जो है उन उनको कत्ल करो या उनको ज़ुबा करो तो वो कबीरा गुना है फी नफ्सी ही अपने आप में कभी रा है लेकिन अल्लाह के कहने पर उसको अंजाम देना यह अल्लाह की इबादत है, ये एक नेकी है जैसे अल्लाह रब्बुल रब्लमी ने सुरतुल में इब्राहिम सलाम के किस्से में बयान फरमाया कि इब्राहीम ने इस्माइल से कहा या बुनैया 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 इन्नी आरोफिल मनामी अजबा का फनवर माला तरा समझ रहे हैं आप या बुनियािल मना अन्य का फ़न वुरमा जाता रहा मैं ख़्वाब में तुम्हें ज़ुबा कर रहा हूँ और अम्बिया के ख़्वा बरहक़ होते हैं वही का एक हिस्सा है वो ऐसे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यानी उन उन्होंने भी अपने आप वो आ, राजी कर लिया इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम उस बच्चे को ज़ुबह करने के लिए चले गए ज़ुबाह नहीं किया उन्होंने लेकिन इकदाम किया आपने अंजाम देने की कोशिश किया आपने क्यों कत्ल एक अज़ीम गुना है कबीरा गुना है लेकिन अल्लाह का जब हुक्कुम आता है तो फर्मा है वो वो अल्लाह सुबह तत है अल्लाह सुबहानो के, के, के हुक्म को बजा लाना है तो इस एतबार से जब बात आदम की आती है अखवान यूसुफ़ का सजदा करने की बात आती है वो सजदाय सिर्फ झुकने वाली बात नहीं, इनकियाद वाली बातें सिर्फ खुश खुश की बात नहीं है सिर्फ किसी की फरमाबरदारी की बात नहीं है वो वो सजदाय शराने में शरा में सजदा है सही बुखारी की किताबुल अजान में आप देखो आ, जो हैदीत अब् अब्बास है जिसमें ये कहा कि जो है अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि उमिर न अनस जुदा अला सबाति आज़मीन कि हमें इस बात का हुक्म दिया गया है कि हम सात आज़ा पर सजदा करें तो सात आजा पर जो सजदा एक इंसान एक मुसलमान करता है वो वह माने में सजदा है तो बहरहाल मुझे इतनी तफसील बताने की ज़रूरत क्या क्यों पेश आई ये बताने के लिए कि अलम तरा अन्लास जद कह कर के अल्लाह तला ने मनफमाती व मनफिल अर्ज कह दिया ज़मीन व आसमान में तो अल्लाह तला की मतदद मखलूक़ हैं सिर्फ मलाइका जिन और इंसान ही तो नहीं है ना बहुत कुछ है अल्लाह ताली ने कुछ खास जिक्र फ़रमाए कि व शमसु वक़मर व नजूम जिबाल, व शजर व दवाब व कसर उम्मीानन्नास अल्लाह ने अलग से सात मखलूक़ात का जिक्र फ़रमाए तो क्या सातों मखलूक़ात के सजा करने की कैफियत एक ही है क्या हती कि आप चांद और सूरज को ले लीजिए उसके मुकाबले में पहाड़ को ले लीजिए पहाड़ के मुकाबले में दरख्त को ले लीजिए सबके लिए सजा करने की कैफियतें अलग हैं लेकिन फ़ेल सबके लिए वही इस्तेमाल हुआ है हती कि उसमें इंसान भी है और इंसान को अल्लाह ने दो हिस्सों में तकसीम किया एक मुसलमानों को एक काफिरों को और दोनों के लिए भी अल्लाह ताला ने सजदा का फ़ेल इस्तेमाल किया ऐसे में सजादा के अंदर जो माना आता है हमको ये जानना जरूरी है कि इसका लुगावी माना क्या है इसका शराय माना क्या है लघवी माना तो सिर्फ झुकने का है किसी के लिए लेकिन झुकने के साथ साथ उसमें इनकियात का माना आता है इतात व फरमा बरदारी का माना आता है यानी अल्लाह ने हमसे जिस चीज़ का मतालबा कर रहे हैं उस मुतालबे को अंजाम देना उसको कर गुजरना तो अल्लाह सुबहान वाली ने यहाँ जो इस आयत करीमा में सजदा का जो माना यहाँ पर यह है इसमें दोनों माने हैं एक माना वो है जो अल्लाह सुबहानी ने यानी जिसको जिस काम का मुकल्फ किया है उस उसको उस पर उतरना उस पर कायम रहना और दिलो जान से उसको अंजाम देना जैसे मिसाल के तौर पर सूरज है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज में इतनी कवत रखी है कि वो आता है जाता है सिर्फ उतना ही नहीं यानी मिसाल के तौर पर जैसे फ़ैन है हम उसको जो ऑन करते हैं सोचो ऑन करते हैं और फ़ैन चलने लगता है तो फ़ैन जिस काम के लिए हम उसको रखे हैं वो काम तो अंजाम दे रहा है लेकिन क्या वो मतियो फरमा बरदार है हमारा यानी किस माने है मतियो फरमा बरदार एक है मुशक्र है हमारा वो अल्लाह ने हम हमारे 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 तस्खीर में दे दिया है उसको कि हमने यहाँ पर आन किया और फ़ैन चलने लगा है लेकिन क्या उसमें जब अगर जान आ जाती है मसलन तो क्या वो हमारी इतहात के लिए तैयार है कि मैं दिलो जान से आपके लिए जो है मतलब हवा हवा आपके आपके सुपुर्द करता हूँ दिलो जान से मैं आपके लिए काम करता हूँ वो वो शूर तो उसमें नहीं है ना उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि बस वो आप एक ख़ास तरह की हरकत करता है तेज़ी से और उससे हवा जो है निकल के आती है लेकिन चांद और सूरज का मामला ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने उसे जिस काम के लिए रखा है नहीं वो उनमें इतिहात का जज्बा है हमको जिस काम के लिए तूने पैदा किया हम हम तेरी रजामंदी के लिए काम कर रहे हैं ये ये हमारे लिए शर्फ है कि हम तेरी इतहात कर रहे हैं ये जज्बात हैं उनके अंदर तो वो कहाँ से हमको बात मालूम हो रही है वो सजदा के अंदर सजदा के अंदर जो माना आता है वो यही कि जुल यानी जैसे इब्न फारस ने कहा तहम उन तो ठहराओ को कहते हैं क्या मतलब जिस काम के लिए आपने कहा कि वो 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 एक ज़ाहरी ढांचा जो होता है वो लेकिन झुल के अंदर वो शुरूर का माना आता है कि कोई आपका मुनखाद है कोई आपका मतियव फरमा बरदार है कोई मतलब खजूर जिसे कहते हैं आपके लिए झुक जाता है आपकी फरमा बरदारी को शर्फ समझता है तो वो वो सजादा के अंदर माना आता है वो तफसीली तौर पर मैं आपको आने वाली कुछ नशीसों में समझाऊंगा इन शाला तो इस आयत करीमा में अल्ला रब्लमिन ने इसी बात को जिक्र फ़रमाई है कि ज़मीनों आसमान के सभी अशिया चाँद सूरज पहाड़ ये सब अल्लाह के मतियव फ़रमा बरदार हैं सिर्फ ऐसा नहीं कि अल्लाह ने पहाड़ को जैसा बना दिया है वो वैसे ही है तो अल्लाह का मतिय फरमा उसके साथ साथ उसके कलबी जज्बात हैं उसमें दिल नहीं है लेकिन शोर अल्लाह ने उसमें रखा है वो गोया कि अपनी ज़ुबान हाल से कह रहा है कि अयल्ला मैं तेरा मोती व फरमा बरदार हूँ जिस चाम के लिए काम के लिए तो उन्हें मुझे पैदा किया है ये मेरे लिए शर्फ़ है इज़्ज़त है और मैं तेरा मोती व फरमा बरदार हूँ ये चीज़ उसके अंदर मौजूद है जिस तफस से हम आगे जिक्र करेंगे इन श्ला तला से दुआ है कि अल्लाह सुबहान तमे इस नशीस को हमारे इस हमारे वालदे हमारे कुल माविन मुशाह के लिए अल्लाह जख़िर आखरत बनाए मेरे अहिल ख़ाना के लिए मेरी अहलिया के लिए खास तौर पर और अल्लाह ताला हमारे लिए ज़खीरा आक्रत बनाएम अल्लाह का मतयव फरमा बरदार बनाए और मेरे मुआविन खास इब्न इलियास को अल्लाह सेहत दे आफियत दे और इल्म नाफ़े से नवाज़े, नवाजें सुबहानल्बहदिखतुल्लफ़िरतुबिलेखा